हाय, मेरा नाम रॉब है। मैं 21 साल का हूं और जैसे बदकिस्मती से बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत ही मुश्किल मोड़ आता है, उसी तरह मुझे भी अपने दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब हमारे साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं जब एक भयंकर कार एक्सीडेंट ने उनकी जान ले ली। उस दिन उन्होंने मुझे अपने भाइयों का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की ताकि वो मुझ पर गर्व कर सके। लेकिन मैं नहीं जानता था कि चिंता उन्हें नहीं बल्कि मुझे करनी पड़ेगी। जब वो दोनों खाना खाकर वापस आ रहे थे तो एक आदमी जिसने बहुत ड्रिंक की हुई थी, उन्होंने अपना ट्रक उनकी गाड़ी में दे मारा। उनकी वहीं मौत हो गई। हमारे परिवार में और कोई नहीं था और ये मेरी जिद थी कि मैं अपने भाइयों को अनाथ आश्रम या फिर किसी और परिवार को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगा। हम तीनों अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। किस्मत से हम सबकी बहुत ही अच्छी नौकरी थी और मैं हम सबका खर्चा उठा सकता था, और वैसे भी हम अच्छे खासे परिवार से आते हैं, इसलिए उस दुर्घटना के बावजूद हम खुद को अच्छे से संभाल पाए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 2 सालों ने मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है। वो काफी समझदार और बड़े हो गए थे, लेकिन कोई भी हादसा उन्हें उस चीज के लिए तैयार नहीं कर सकता था जो वो गर्मी की उस रात को देखने वाले थे। सच कहूं तो मैं इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता कि आज मैं आप सबके सामने हूं और इस कहानी को बयां कर पा रहा हूं। ऐसी कोई रात नहीं रही जब मैं घबराकर पसीने पसीने होकर ये सोचकर ना उठा हूं कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, क्योंकि जो मैंने उस दिन अनुभव किया उसके बाद मेरा जिंदा रह पाना नामुमकिन सा था। ठीक से बताऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब एक ही रात में हुआ। जिस दिन ये सब हुआ उसे कई दिनों पहले बहुत अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। हर रोज मेरी आंख रात 3 बजे खुल जाती। पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई संयोग है, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे डर लगने लगा। मैं भगवान या भूत प्रेत में बहुत नहीं मानता, लेकिन उस समय का मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। वो शैतान का वक्त था, उस समय जब भूतों का वास सबसे ज्यादा हुआ करता है। जब भी इस तरह की कोई भी बात मेरे दिमाग में आती है तो मैं हंस पड़ता था, लेकिन जब मैं आधी रात को घबरा कर उठता था तो मेरा डर बढ़ जाता। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं लाइट जलाता तो मेरे सामने कोई नहीं होता था, इसलिए मुझे वापस नींद आने में बहुत परेशानी होती थी। हर रात ऐसे ही चलता रहा जब तक उस एक रात को कुछ और भी अजीब नहीं हुआ। उस रात मैं 3:32 पर उठा। इस बार का झटका पहले से कई ज्यादा तेज था। उस वक्त मैं अपने आप नहीं उठता था। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। मैंने घबराहट में अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ हिलते हुए देखा था, लेकिन जब मैंने लाइट जलाई वहां कुछ नहीं था। क्या मेरा भाई मेरे साथ मजाक कर रहे थे? अगले दिन मैंने उनसे सवाल किया। नहीं, वो हम नहीं थे। ओह, तो वो तुम ही थे। मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ जब तुम झूठ बोल रहे हो। ये हमारा काम नहीं है। इन पर ध्यान मत दो, ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? अब बस भी करो, हम हर रात तुम्हें देखते हैं। इस तरह के मजाक के लिए अब हम काफी बड़े हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम रात में क्या देखते हो? करीब 3 बजे तुम हमारे कमरे का दरवाजा खोलते हो और हमें घूरते हो। कभी कभी हम सोने का नाटक करते हैं और फिर तुम कुछ कुछ आवाजें करके हमें जगाने की कोशिश करते हो, और फिर हम जब ऐसा जताते हैं कि तुमने हमें जगा दिया और हम अपनी आंखें खोलते हैं तो तुम भाग जाते हो। हमें तुमसे डर नहीं लगता। उनकी ये सब बातें सुनकर मैं बहुत बहुत चक्कर रह गया। मेरा चेहरा फीका पड़ गया और मेरा मुंह खुला का खुला। मैं अपने भाइयों को जानता था, इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो मुझे जो कुछ भी बता रहे थे उसे सुनकर मैं दंग रह गया था। रॉब, क्या चल रहा है? रात में वो तुम ही होते हो ना? उस रात बच्चे मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोए। अब मैं 3 बजे का इंतजार करता हूँ। वो रात मैंने जाकर गुजारी और अपने बगल में एक चाकू भी रख लिया। मुझे यह बात तो माननी पड़ेगी कि उस रात की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पूरे घर की लाइट चली गई। क्या यह कोई इत्तेफाक था? मैंने हाथ में टॉर्च ले ली। कुछ मिनट बाद भी मेरे शरीर में काफी कैफीन था और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बच्चे जब सो रहे थे तो मैं एकदम चौकन्ना होकर वहां लेटा हुआ था। अचानक मैंने घर के दूसरी तरफ से बहुत तेज आवाज आती हुई सुनी। वो बच्चों का कमरा था। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में चाकू लिए मैं आगे बढ़ने लगा और हर तरफ देखने लगा। मेरा कमरा, हॉलवे, मेरे भाइयों का कमरा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि मुझे लगा जैसे मैंने अपने एक भाई के बिस्तर के नीचे से आवाज आती हुई सुनी है। मैं धीरे धीरे उस बिस्तर के नजदीक जाने लगा। हाथ में चाकू लिए मैं तैयार था।
हर एक कदम आगे बढ़ाने पर मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी के कुछ आखिरी पल भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा बुरा सपना था जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था, और मैं उस सपने को हकीकत में बदलने के करीब आता जा रहा था। मैं बिस्तर तक पहुंच गया और मैंने चाकू को कस के पकड़ लिया। फिर मैंने टॉर्च से बिस्तर के नीचे देखा तो वो बस एक छोटा सा कीड़ा था। मैं चैन की सांस लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मेरा सेलफोन ऑन था और वो वाइब्रेट हो रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। रात के इस वक्त कौन मुझे फोन कर रहा होगा? जब मैंने उसे हाथ में उठाया तो मेरे फोन पर किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे। जब मैंने उसे खोला तो उसमें बहुत सी फोटोज थी। वो सभी फोटोज मेरी थी। वो सभी फोटोज अलग अलग दिन पर मेरे सोने की थी। कुछ मेरे आधी रात को उठने की थी, जहां मैं बहुत कंफ्यूज लग रहा हूं। उनमें से कई तस्वीरें मेरे भाइयों की भी थी जिसमें वो सो रहे थे। ये किस तरह का पागल इंसान है? अचानक उसी समय मेरे फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। उसमें एक नई तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा हुआ था, हाय रॉब। जब मैंने वो फोटो खोली तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो ठीक उसी पल की थी जिसमें मैं खड़ा हुआ था। मेरे हाथ में फोन था और मैं बहुत डरा हुआ दिख रहा था। मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया और मैंने टॉर्च की मदद से उस तरफ देखा जहां से वो तस्वीर ली गई थी। वहां मुझे कुछ नहीं दिखा। अचानक मेरे पास से मुझे एक आवाज आई जिसे सुनकर मैं चौंक गया। क्या हो रहा है? दूर रहो उनसे। मेरे चिल्लाने के बाद वो चेहरा वापस से बिस्तर के नीचे चला गया और घबरा कर मैंने अपने दोनों भाइयों को बिस्तर से दूर किया। हम तीनों भाग कर दरवाजे की ओर जाने लगे। हम जितना जल्दी हो सकते थे उस कमरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन किसी चीज ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया और मैं गिर गया। मेरे हाथ से टॉर्च और चाकू गिर गए। मेरे भाई मेरे पीछे मुड़े और डर भरी आंखों से मुझे देखने लगे। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? घर से बाहर भागो और पड़ोसियों को कहो कि पुलिस बुलाए अभी। जब मेरे भाइयों ने मेरी बात मानी और वहां से गए तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मुझ पर हमला करने वाला मेरे सामने हाथ में चाकू लिए खड़ा था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से मेरे लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी इस बार मैं उसे थोड़े और ढंग से देख पा रहा था। उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। उसका मास्क बहुत ही डरावना था और वो उसके चेहरे से इतना चिपका हुआ था कि उसके चेहरे जैसा ही लग रहा था। उस आदमी ने मेरे चाकू को अपने हाथ में पकड़कर उससे मुझ पर वार करने की कोशिश की। ये देखते ही मैं समझ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट के बराबर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के आगे मेरी पूरी जिंदगी आ गई। मैं हार चुका था। मेरे पास खुद को बचाने के लिए शक्ति नहीं बची। सब खत्म हो चुका था। अब वक्त है कर्जा उतारने का, रॉब। कर्जा? वो अपने साथ बंदूक भी लाया था। उसने बंदूक मेरे आगे तानी और मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो आदमी अब मेरे सामने नहीं बल्कि जमीन पर गिर चुका था। वो मेरे बगल में बेहोश था। उसके पीछे खड़ा था मेरा छोटा भाई। वो बहुत ही गुस्से में था। उसके हाथ में बेसबॉल का बैट था। मेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। भाग जाने के बजाय उन्होंने मुझे और खुद को बचाने के लिए हथियार ढूंढे। जब ये आदमी कुछ सेकंड्स के बाद उठा तो पुलिस ने पहले से ही उसे हथकड़ी बांध दी थी। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि आदमी कौन था। उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो शराब पीकर ट्रक चला रहे थे और उन्हीं की लापरवाही की वजह से हमारे पेरेंट्स की मौत हुई थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं? हमें अनाथ करने के बाद उसके बेटे ने हमसे ही बदला लेने के बारे में सोचा क्योंकि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साफ सी बात है कि दोनों बाप बेटे पागल हैं और अब इसलिए जेल में हैं। उस दिन से मैं और मेरा भाई और भी ज्यादा करीब आ गए। वो अब बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें मेरी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हम अब भी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम बहुत से हादसे झेल चुके हैं। अब हम दोबारा किसी को भी हमसे पंगा लेने नहीं देंगे। मैं इस जगह से निकलने के लिए बेताब हूं। मैं जानता हूं जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सहयोग था, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं उस जगह में बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करता हूं जहां मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगना चाहिए। जिस रात ये सब हुआ उस रात मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मैं अपने बेडरूम में कंप्यूटर पर स्कूल का काम कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। ये क्या था? मैं उठा और अपने बेडरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से आधे रास्ते नीचे उतरा क्योंकि वहां से मुझे घर के अंदर आने का रास्ता और लिविंग रूम का काफी हिस्सा दिखाई देता था। कुछ सेकंड्स के बाद ये दोबारा हुआ। मैं चुपचाप खड़ा रहा और ये समझने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये वाकई हो रहा था? मैंने सोचा। नहीं, अब ये सब खत्म हो चुका है।
ऐसा मैं सोचना चाहता था क्योंकि कुछ सेकंड्स बीत गए थे और सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन जल्द ही थोड़ी सी रोशनी जो बाहर से खिड़की के जरिए अंदर आ रही थी, उसकी मदद से मैंने लिविंग रूम में किसी की परछाई देखी। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया जिस पर उसने कोई हथियार पकड़ा हुआ था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे यहां से भागकर कहीं छुपने की जरूरत है। मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा और मैंने एक बार फिर वो आवाज सुनी। इससे पहले कि वो आदमी मुझे देख पाता, मैंने अपने कमरे की लाइट फौरन बंद कर दी और अपना सेलफोन उठा लिया। लेकिन मैं उस कमरे में रुका नहीं, क्योंकि मेरा कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल नजदीक था। इसलिए मैं जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में चला गया जो दूसरी मंजिल पर था। मैं चुपके से अंदर घुस गया क्योंकि उसका दरवाजा खुला हुआ था। वहां इतनी शांति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और नहीं है, जो कि मेरे लिए नुकसान की बात थी। मैं दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन अगर उस आदमी ने मुझे ऐसा करते हुए सुन लिया तो वो मेरे साथ क्या करेगा? उसे आखिर क्या चाहिए हो सकता है? दरवाजे के हैंडल तक जाने के लिए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने उसे आराम से पकड़ा और फिर उसे घुमाया। मेरे चेहरे पर पसीना था। दरवाजे को बंद करने के लिए मैंने उसे आगे किया और फिर उसे छोड़ दिया। जितना मैंने चाहा था उसने उससे ज्यादा आवाज की, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उस आदमी ने दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी होगी। दबे हुए पांव के साथ मैं कमरे के और अंदर गया और अपने पेरेंट्स के बेड के पास जाकर छुप गया। मेरे हाथ पसीने से इतने गीले हो गए थे कि जब मैंने उसे खोला तो उसकी स्क्रीन पर फॉग जमने लगी। बिना और ज्यादा इंतजार किए मैंने 911 पर फोन मिला दिया और उस तरफ से आवाज आई, 911, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैंने फौरन अपने फोन की आवाज बहुत ज्यादा कम कर दी, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे वैसा करने में भी वक्त लग गया। 911, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ? जैसे मैंने फोन अपने कान पर लगाया, मैंने उसे फिर ये कहते हुए सुना। मैं इस बार भी चुप रहा। क्या तुम बोल नहीं सकते? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। कौन? जवाब देने से पहले मैं कुछ सेकंड्स और चुप रहा। वो आदमी जो मेरे घर में है। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैं उस लड़की की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता, मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में हूँ। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। क्या कोई और तुम्हारे साथ है? नहीं, मुझे लगता है कि वो आदमी मेरे कमरे में ही है। क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मैं डर के मारे सहम गया। उसकी आवाज में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, कुछ करो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ हो। मैंने जल्दी से उसे अपना घर का पता बताया। पुलिस रास्ते में ही है। क्या उन्हें आने में ज्यादा वक्त लगेगा? बहुत सारे ऑफिसर्स और भी कई कामों में लगे हुए हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस की एक गाड़ी तुम्हारे घर पर आ जाएगी। आखिर तुम हो कहाँ? मेरे साथ रहो और बिल्कुल शांत रहना। कैसे? मैंने फोन को अपने कान से हटा दिया ताकि मैं उस आदमी को ठीक से सुन सकूं। आखिरकार वो उतनी मदद नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं बाहर से ही तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देख चुका हूँ, बेवकूफ लड़के। उसकी बात सुनते ही मैंने फौरन अपना वो बंद कर लिया। मुझे कुछ चाहिए और वो तुम मुझे दोगे। तुम अपने इस घटिया घर में छुप नहीं सकते। मैंने फोन एक बार फिर अपने कान पर लगाया। क्या तुम मेरे साथ हो? वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज। मैंने फोन काट दिया और उसे जमीन पर रखकर अपने दोनों टांगों को अपने हाथ से गले लगाते हुए जमीन पर बैठा रहा, ठीक एक बच्चे की तरह। मेरे शरीर डर के मारे लगातार कांप रहा था। चारों तरफ शांति का माहौल था, अब सिर्फ एक कमरे को देखना ही रह गया था। मैंने उस आदमी के पैरों की आवाज अपनी और भी ज्यादा करीब आते हुए सुनी और फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। वो मेरे पेरेंट्स के कमरे के बाहर खड़ा था। क्या तुम्हारा लुक्का छुपी का खेल खत्म हो गया है? उसके सवाल के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा खोलो दरवाजा, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मैं चुपचाप रोने लगा, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया। तुम बस हर चीज और भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो। और फिर अचानक जैसे वो घर के बाहर वाले दरवाजे पर कर रहा था, उसने मेरे पेरेंट्स के कमरे के दरवाजे पर भी लात मारनी शुरू कर दी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि मेरी छोटी सी आवाज भी उस तक ना पहुंचे। चिल्लाना तो व्यर्थ ही था। जैसे मुझे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है, मेरा हाथ अपने आप ही मेरे मुंह के आगे से हट गया और मेरे फेफड़ों में भरी सारी हवा निकल गई। देखो कौन आया है। मैं हैरान था कि मुझे पता नहीं चला कि वो कब कमरे के अंदर आकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपने सारे पैसे दे दो। उसने बंदूक मेरी तरफ तानी हुई थी। हमारे पास घर में ज्यादा पैसे नहीं है। मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। जितने भी पैसे तुम्हारे पास है मुझे दे दो, और तुम्हारा फोन भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सब है।
जैसे उसने कहा था मैंने उसे अपना फोन दे दिया और फिर मैं उसे अपने कमरे तक ले गया जहां मैंने अपना वॉलेट ढूंढा और उसमें से सारे पैसे निकालकर उसे दे दिए। बहुत अच्छे, अब तुम बिना कुछ कहे मुझे यहां से बाहर निकालोगे, समझे? हाँ ठीक है। मुझे यकीन है तुम पर, चलो पीछे मुड़ो। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, इस उम्मीद में कि ये बुरा सपना जल्द ही खत्म हो जाएगा। और फिर तभी मैंने ये सुना, शिट। फिर वो आदमी वहां से भागकर घर से बाहर निकल गया। जैसे ही पुलिस आई मैं समझ गया कि क्या हो रहा था। एक अपराधी जेल से भाग निकला था और कहा गया था कि वही आदमी हमारे घर घुस आया था, लेकिन इस वजह से मैं डरा हुआ नहीं हूं। जिस बात से मुझे रातों को नींद नहीं आती वो ये है कि उस रात मैं मर सकता था क्योंकि उसने मुझे 3 बार गोली मारने की कोशिश की थी। अपने करियर की शुरुआत में मैं एक लड़की के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। उस लड़की का नाम जॉय था। इस दिन यह हादसा हुआ। मैं और जो अपने घर में लैपटॉप पर पर्च देखते हुए पिज्जा खा रहे थे। हम इस फिल्म में इतने ज्यादा खो गए थे कि जब घर की घंटी बजी तो हम चौंक गए। ओह गॉड, इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखती हूँ। मैं बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ गई। मैंने दरवाजे पर बने छेद से झांक कर देखा तो मुझे वहां ठीक ठाक कद का स्वस्थ आदमी खड़ा हुआ दिखा। वो एक फायरमैन था। ये सोच कर कि हो सकता है कि बिल्डिंग में कोई जरूरी बात हुई हो इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। क्या सब ठीक है? वो आदमी बिना किसी भाव के मुझे देखता रहा। मुझे आपके घर की गैस पाइपलाइन चेक करनी है। बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक जरूरी चीज है जो अक्सर की जाती है। ओ, तो क्या मिसेस विलियम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी हाँ। क्या चल रहा है? मैंने जॉय की आवाज सुनी। वो बाहर आई और उसने मुझे इस फायरमैन से बात करते हुए सुना। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसे मुझे और उस आदमी को कहा कि मैं पहले मिसेस विलियम से बात कर लेती हूँ। हाय मिसेस विलियम, जॉय बात कर रही हूँ। क्या आपने रूटीन पाइपलाइन चेक करने के लिए किसी को भेजा है? ओह हाँ, ये बस रोजमर्रा का काम है, वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा। ओह ठीक है, शुक्रिया। हम दरवाजे से हट गए और हमें उस आदमी को अंदर आने दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और हम अपने कमरे में आ गए। हम बस इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये आदमी अपना काम खत्म करेगा। पता है मिसेस विलियम बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी। क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उनकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी, यहाँ तक कि उन्हें हिचकियां भी आ रही हैं। और मैं हंसने लगी। अरे बस भी करो यार, तुम एक छोटी सी बात के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उस बेचारी बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं होगी, आखिर वो 76 साल की है। शायद तुम ठीक कह रही हो। हमने वापस फिल्म देखना शुरू कर दी और पीछे से किचन के औजारों की आवाजें आने लगी। कुछ समय बाद हम परेशान हो गए, वो आदमी बहुत समय लगा रहा था। हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें कि तभी उसने हमें आवाज लगाई। मैम, हम दोनों ये सोचकर जल्दी से उसकी तरफ गए कि शायद उसका काम हो गया हो। लेकिन जैसे ही हम लिविंग रूम में आए तो हमने देखा कि उसकी तरफ फायरमैन के कपड़े पहने हुए एक और आदमी हमारे घर अंदर आकर दरवाजे को बंद कर रहा था। मुझे मदद की जरूरत थी इसलिए मैंने दोस्त को बुला लिया। अब मैं अपने माथे पर पसीना महसूस कर रही थी। उस आदमी ने हमारे घर में किसी और आदमी को बुलाने से पहले हमसे इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा। वो दूसरा आदमी अब मुझे ही देख रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर मुस्कुराने लगा। उसके कपड़ों से घटिया दारू और सिगरेट की बदबू आ रही थी। जॉय ने मेरी तरफ देखा, वो भी डरी हुई थी। कितना टाइम लगेगा? वेल बस कुछ ही मिनट। मैं बिना कुछ समझे बस वहां खड़ी रही। जॉय ने मिसेस विलियम को फोन मिला दिया कि तभी दूसरे आदमी ने हिचकी लेते हुए कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है मैम? जॉय ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया, उसका शरीर कांप रहा था। मिसेस विलियम का फोन बजता रहा लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। वही है, इसी ने मिसेस विलियम बनकर मुझसे बात की थी। जैसे ही हमने महसूस किया कि हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है तो हमारी पूरी जिंदगी हमारे सामने दिखने लगी। क्यों ना आप लोग कल आ जाएं? हमें बाहर जाना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा मैम, हाँ ये तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। अचानक वो दोनों हमारी तरफ झपटने लगे। दूसरा फायरमैन जो लंबा और चौड़ा था मेरी तरफ आया और मैं मुड़कर बेडरूम की तरफ भागने लगी। उसने जोर से मेरे बाल पकड़ लिए लेकिन फिर भी मैंने बहुत जोर लगाकर खुद को उससे छुड़वाया। इसी झड़प में मेरे सर से बालों का एक गुच्छा उसके हाथ में आ गया। भागो जॉय! मैं चिल्लाते हुए भागी। जॉय इतने बड़े सदमे में थी कि पहले तो वो समझ नहीं पाई कि क्या करे, लेकिन फिर वो भी भागी। मैं बेडरूम के अंदर घुस गई और जॉय मेरे पीछे आने लगी। वो आधी अंदर आ चुकी थी कि तभी उन दोनों आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मेरे पास दरवाजा बंद करके खुद को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
नहीं नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो। मैं जॉय की मदद के लिए पुकार सुन सकती थी, उन दोनों आदमियों की आवाजें भी। इसका हाथ बांधो और मुंह बंद करो, इसकी चीखों की आवाजें हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हिलना बंद ही नहीं कर रही। help, help, help! Hey, चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तभी मैंने एक पंच की आवाज सुनी और उसके बाद मुझे जॉय की आवाज नहीं आई। अब मैं समझ गई थी कि ये मेरे लिए आने वाले हैं। उन्होंने कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने 911 पर फोन मिलाया और ऑपरेटर ने मेरा फोन उठा लिया। 911, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो आदमी हम पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी मेरी सहेली को मारा है और अब वो मेरे लिए आ रहे हैं। ठीक है, पुलिस जल्द ही आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगी, आप मुझे अपना घर का पता बताइए। 33 रोटियो ब्लॉक, 12वीं गली, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और तभी दरवाजे पर जोर से आवाज होने लगी। हमने कहा कि दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारी सहेली को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो मरने के लिए हमसे भीख मांगेगी। दरवाजा खोलो अभी के अभी। वो लोग दरवाजे पर लात मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे। एक समय पर तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो उसे तोड़ ही देंगे। मैं बहुत ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी और एक बार तो मुझे लगा कि मैं खिड़की से ही कूद जाऊं। लेकिन मैं जॉय को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दरवाजा खोलना होगा नहीं तो वो मेरे दोस्त को मार डालेंगे। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारे आसपास कोई भी नुकीली चीज है? मैं बेडरूम के अंदर हूँ, यहाँ एक बेड है, लैपटॉप और पिज्जा, बस इतना ही है। सारे चाकू किचन में है। क्या तुमने कहा पिज्जा? प्लीज कुछ करो। उस आदमी ने दरवाजे पर लात मारना बंद कर दिया और एक आखिरी बार मुझे धमकी दी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी दोस्त की खाल निकाल दूंगा। 1। मैं क्या करूं? अपने हाथ पर चिली फ्लेक्स लो और दरवाजा खोलो। उन्हें कोई मौका मत देना, सीधा उनके चेहरे पर चिली फ्लेक्स डाल देना। याद रहे, तुमने ये बहुत ही जल्दी करना है। 2। तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। जो मैक्सिकन है इसलिए उसे मिर्च मुझसे 10 गुना ज्यादा पसंद है। जब भी हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत सारे चिली फ्लेक्स के लिए कहती है और शुक्र है कि उस दिन भी यही हुआ था। मैंने उन चिली फ्लेक्स के पैकेट्स को खोला और अपना हाथ उनसे भर लिया। 3। अब बस, तुम्हारे दोस्त एक दर्दनाक मौत मरेगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। रुको। मैं धीरे से दरवाजे की तरफ गई और मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला। लंबे कद वाले फायरमैन ने अपना सर दरवाजे से अंदर घुसाया और अपने एक हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, मैंने उसके चेहरे पर चिली फ्लेक्स मल दी। मिर्ची के दाने उसकी आंख और नाक में चले गए, उसका मुंह जलने लगा। मेरी आंखें, मेरी आंखें! क्या क्या हुआ? ये जल रही है। वो आदमी अपना चेहरा पकड़कर जमीन पर बैठ गया, वो देख भी नहीं पा रहा था। पहले वाला लड़का डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब मैं कमरे से बाहर आई और मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दे दिया, वो गिर गया और मैं उसके ऊपर बैठ गई। मैंने उसके मुंह पर भी मिर्ची रगड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। मुझे लड़ता हुआ देखकर जॉय को भी अपनी खोई हुई हिम्मत वापस मिल गई। उसके नाक से खून निकल रहा था लेकिन वो फिर भी कोशिश करके उठी। वो भागी और उसने घर का दरवाजा खोला। हमारी मदद करो, ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा है। एक एक करके उसने उस माले के सारे घरों की घंटियां बजा दी और पड़ोसी हमारी मदद के लिए आ गए। जब पुलिस उन दोनों आदमियों को ले जा रही थी तो उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, वो बिल्कुल लाल हो चुके थे और सूज गए थे और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस को हमारे मकान मालिक मिसेस विलियम की लाश उनके घर पर मिली। कहा गया कि इन दोनों चोरों ने फायरमैन होने का नाटक करके घर में दाखिला लिया, उन्हें मारा और हर घर में घुसकर चोरी करने का प्लान बनाया ताकि उनकी इस हरकत के बारे में किसी को शक ना हो। इनमें से एक जना मिसेस विलियम के घर पर रुका ताकि अगर कोई उन्हें फोन करे तो किसी को उन पर शक ना हो। जॉय और मैं एक महीने के अंदर अंदर गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गए और तब से जब भी मैं घर पर अकेली होती हूँ तो किसी के लिए भी ऐसे दरवाजा नहीं खोलती।